Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सबसे पहले पॉलिटिकल अड्डा में हम लेंगे खबर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई, जिसमें अब अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सरकार फिलहाल कोई अध्यादेश नहीं ला रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर। तो इसको लेकर सरकार का ये पक्ष अब क्यों सामने आया है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद बात करेंगे भारतीय राजनयिकों की राजनीतिक निष्पक्षता क्या सवालों के घेरे में है, इसको लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह से सवालों के घेरे में आ जाती है राजनयिकों की राजनीतिक निष्पक्षता। क्या है ये रिपोर्ट, क्या कहती है भारतीय राजनयिकों के बारे में, बताएंगे आपको। और उसके बाद बात करेंगे आपके बच्चे के स्कूल बैग के बारे में, कितना भारी होना चाहिए आपके बच्चे का स्कूल बैग, क्या उसे होमवर्क मिलना चाहिए या नहीं अगर वो पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ता है, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर निर्माण की। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अब अमित शाह ने यह स्थिति साफ की है सरकार की। उन्होंने बयान दिया, एक इंटरव्यू में उन्होंने बात साफ की कि सरकार फिलहाल कोई अध्यादेश लाने नहीं जा रही है। उन्होंने साफ किया कि सरकार इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने का, क्योंकि अब जनवरी में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा सुनवाई के लिए और जनवरी में तय होगा कि सुनवाई कब शुरू होगी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर। तो अमित शाह का कहना था कि फिलहाल सरकार और बीजेपी इंतजार करेगी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर, उनकी जब सुनवाई होगी उसको लेकर इंतजार करेगी और फिलहाल कोई और कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, ये उन्होंने साफ कर दिया। इसको लेकर राम माधव ने भी एक बयान दिया है, तो राम माधव ने भी उसी बात को दोहराया है जो अमित शाह ने कही है, उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये साफ हो जाता है कि सरकार फिलहाल राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर कोई भी अध्यादेश लाने पर विचार नहीं कर रही है। यानी फिलहाल जनवरी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है, क्योंकि अमित शाह ने वो स्थिति साफ कर दी है। लेकिन फिर वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में तो हंगामा है राम मंदिर निर्माण को लेकर। वहां पर VHP पहुंची है, वहां पर संत इकट्ठा हुए, धर्म सभा की गई और वहां पर जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया। वहां शिवसेना भी पहुंची, हालांकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए कि कैसे चुनाव के दौरान राम राम किया जाता है और बाद में सब सो जाते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर। उमा भारती एक बयान दे रही हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं शिवसेना के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और उनका कहना है कि बीजेपी का कोई पेटेंट नहीं है राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर या राम मंदिर के मुद्दे पर, इस पर सबको साथ आना चाहिए। लेकिन सरकार का पक्ष साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर इससे आगे फिलहाल बढ़ना नहीं चाहती है। यानी सरकार के जो कुछ मंत्री हैं, बीजेपी के कुछ विधायक हैं जैसे सुरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से, वो बयान देते रहेंगे राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे चुके हैं। राम माधव खुद जब 29 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनवरी में अब सुनवाई होगी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे की और उसको लेकर फिलहाल जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करने जा रहा है, तो RSS की तरफ से बयान दिया गया था। राम माधव ने कहा था कि RSS की तरफ से जो कहा जा रहा है उसे समझे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि हिंदुओं का जो सेंटिमेंट है वो ये चाहता है कि राम मंदिर निर्माण हो, जल्द से जल्द हो, और इसके लिए उम्मीद सबको सुप्रीम कोर्ट से थी कि वहां पर सुनवाई तेज़ी से होगी और कुछ फैसला आएगा। राम भद्राचार्य जो संत हैं, उन्होंने जब संतों का सम्मेलन हुआ अयोध्या में, वहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, उन्हें एक बड़े मंत्री ने इस बात का भरोसा दिया है। फिलहाल आचार संहिता लागू है इसलिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो एक तरफ कोर्ट ने जब ये कहा कि जनवरी में सुनवाई शुरू होगी तो बयानों का सिलसिला शुरू हो गया कि कैसे अध्यादेश आना चाहिए। खुद RSS ने की तरफ से सबसे बड़ा बयान आया विजयदशमी में, उनकी तरफ से कहा गया। फिलहाल भैया जी जोशी ने अयोध्या में बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि आखिरी बार रामलला के दर्शन तिरपाल में कर रहे हैं, इसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर में ही रामलला के दर्शन करेंगे। तो एक तरफ शोर बढ़ाया जा रहा है राम मंदिर निर्माण को लेकर, बयानबाजी भी तेज है उसे लेकर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना पक्ष साफ तौर पर सामने रख रही है। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर संभल संभल कर चल रही है। सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती, बीजेपी ऐसे कोई भी बयान नहीं देना चाहती। बीजेपी पार्टी
जो सत्ताधारी पार्टी है उसके तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती जिसमें लगे कि वो कोर्ट के विरोध में जा रहे हैं, कोर्ट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और वो इसका आरोप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, वो सीधे कांग्रेस पर ही लगाना चाहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने ही 9 साल तक के मामला कोर्ट में था, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी इसमें नहीं की, उनकी वजह से ये मामला लंबित रहा। कैसे जजों को डराया जाता है, महाभियोग का डर दिखाया जाता है, जो जज इस मुद्दे पर सुनवाई करना चाहते हैं उनको डराया धमकाया जाता है, जो राज्यसभा में वकील हैं कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी तरफ से ऐसा किया जा रहा है। तो बीजेपी ने जहां एक तरफ कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को लेकर, वहीं दूसरी तरफ अपना पक्ष साफ कर दिया है कि फिलहाल वो निर्माण नहीं करने जा रहे हैं और शोर होता रहेगा। जो हिंदुत्ववादी संगठन है, जो आरएसएस से जुड़े संगठन है, वो लगातार शोर करते रहेंगे राम मंदिर मुद्दे को लेकर। तो यानी चूल्हे को गर्म रखा जाएगा, धीमी आंच पर तवे को रखा जाएगा, उसे जलने दिया जाएगा, लेकिन उस पर कुछ फिलहाल पकाया नहीं जाएगा, ये लग रहा है जो फिलहाल अमित शाह ने कहा है उससे। भारतीय राजनयिक जो विदेश में कार्यरत हैं उन्हें क्या राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष होना चाहिए या नहीं? निष्पक्ष होना चाहिए शायद आम तौर पर कहा जाएगा, लेकिन जो भारतीय राजनयिक हैं उनसे जब द प्रिंट ने इसके बारे में बात की तो एक विभाजित राय निकलकर सामने आई। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है। OFMI एक संस्था है जो अमेरिका में काम करती है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उनका कहना है कि तब से 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, राजनयिकों का HSS यानी जो स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, उसके कार्यक्रमों में, संघ या उससे जुड़े संगठनों के कार्यक्रमों में या बीजेपी की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है उसके कार्यक्रमों में हिस्सेदारी बढ़ गई है। और वो जो हिस्सेदारी कर रहे हैं वो निजी तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पदों को खास तौर पर वहां दर्शाया जाता है, वो अपनी आधिकारिक हैसियत में ही इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह के जो वीडियो हैं वो सामने आ चुके हैं। OFMI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 के बाद से 9 देशों में 19 राजनयिक 24 बार इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बने। पिछले 2 साल में ऐसा 19 बार हुआ है, तो ये घटनाएं पिछले 2 साल में और बढ़ गई हैं। और इसको लेकर जो अल्पसंख्यकों के बीच काम करने वाली संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीयों की जो संस्थाएं हैं वो अपनी चिंताएं जाहिर कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि ऐसा पहले नहीं होता था। आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन गैर आधिकारिक तौर पर आम तौर पर जो राजनयिक विदेश में कार्यरत होते थे वो कभी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते थे। इस तरह का एक आम तौर पर एक प्रोटोकॉल बना हुआ था, लेकिन अब वो बदल गया है। इसको लेकर जो जापान में भारत के एम्बेसडर हैं सुजॉन चिनॉय, उनकी तस्वीरें सामने आई, उन्होंने HSS के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टोरंटो से अभी तस्वीरें सामने आई दिनेश भाटिया की, उन्होंने HSS के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, खुद अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरों को शेयर किया, और जो भारत का इंडियन कॉन्सुलेट है उनके ऑफिशियल आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी कार्यक्रम की तस्वीरों को ट्वीट किया गया। इसके अलावा और कई देशों में जो काउंसिल जनरल हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ तमाम जगह पर जो काउंसिल जनरल हैं उनकी इस तरह की जानकारी इस रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वो संघ या संघ से जुड़े संगठनों के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2014 के बाद से बदला है और सवालों के घेरे में है कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक निष्पक्षता, इस रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है। अगर आपके बच्चे के स्कूल बैग का वजन आपको परेशान करता है, आपका बच्चा उससे परेशान होता है, तो उसको जल्द ही इससे निजात मिल सकती है, क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये कहा है कि वो निर्धारित करें बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होगा। ये मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के अनुरूप है जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से बच्चों को स्कूल बैग के भारी वजन से निजात दिलाई जानी चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, मई में सुनवाई की जा रही थी। CBSE इस मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा था क्योंकि आदेश दिया गया था कि किस तरह से सिर्फ NCERT की किताबें ही खरीदी जाएं, उसको लेकर CBSE दिशा निर्देश चाहते थे और वो मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे थे। मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे में केंद्र सरकार को भी दिशा निर्देश दिया था कि जो सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, उसको लेकर भी सब कुछ निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी जो पहली और दूसरी के बच्चे हैं उन्हें सिर्फ भाषा और गणित ही पढ़ाया जाए, और इसके बाद जैसे जैसे उनकी क्लास आगे बढ़ती है वैसे वैसे उनके सब्जेक्ट्स उनको बढ़ाए जाएँ और वही पढ़ाए जाएँ जो ज़रूरी हैं, जो गैर ज़रूरी हैं सब्जेक्ट्स वो उनको ना पढ़ाए जाएँ। होमवर्क ना दिया जाए ये भी कहा गया है, यानी पहली और दूसरी के बच्चों को होमवर्क ना दिया जाए इसे भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो पहली और दूसरी के बच्चों को अब हो सकता है कि होमवर्क से निजात मिल जाएगी,
उनके बैग का वजन जो गाइडलाइन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, वो ये कहती है कि जो स्कूल बैग है नर्सरी के बच्चों का या पहली से दूसरी के बच्चों का जो स्कूल बैग का वजन है वो 1.5 किलो होना चाहिए और 10वीं क्लास के बच्चे का बैग का वजन यानी मैक्सिमम वजन जो स्कूल बैग का होना चाहिए वो 5 किलो होना चाहिए। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे वजन बढ़ेगा, 10वीं क्लास में 5 किलो और पहली दूसरी क्लास में 1.5 किलो इतना ही वजन होना चाहिए। एनसीईआरटी की किताबों के अलावा कोई और किताबें प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए स्कूलों को। इससे पहले स्कूल ऐसा करते रहे जिसकी वजह से स्कूल बैग का वजन बढ़ जाता था, लेकिन गाइडलाइन यही कहती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कि सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों को ही प्रिस्क्राइब किया जाए। तो अगर आपके बच्चे के स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है आप जाकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करें, गंभीर चर्चा करें। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक और कमेटी का भी गठन किया है ये देखने के लिए कि एनसीईआरटी में फिर बदलाव किए जाएं और जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे सिर्फ वो सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाएं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चों के ऊपर जो भार है स्कूल बैग का वो कम होगा, सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जो होड़ है वो कम होगी और उनकी क्रिएटिव जो क्षमता है उसमें उसको और ज़्यादा निखारेंगे स्कूल। पॉलिटिकल अड्डा में आज के लिए इतना।